जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये प्लांट है और ये जो पार्ट है हमारा पार्ट एट है। कितना है? पार्ट एट एनवायरमेंट का। ठीक है, तो इसमें हम प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखें। और इसमें जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपके जो एक्सीलेंस है मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर बन सके। प्लांट यानी कि पौधे क्या होते हैं? पौधे होते हैं, ठीक है। बी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड ग्रोइंग अराउंड अस। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते होंगे एंड सम ऑफ देम आर एज फॉलो। जैसे कि ट्री, ट्री को आपने सुना ही होगा, ट्री आर बिग एंड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। ट्री जो होते हैं बहुत ही लंबे और चौड़े और बढ़िया जो है ना मजबूत प्लांट होते हैं। एंड दे आर स्टीम्स आर स्ट्रॉन्ग इन बॉडी, और इनकी जो स्टीम होती है बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और लकड़ी की होती है। एंड द स्टीम्स ऑफ द ट्रीज आर इन कॉल्ड एंड ट्रंक। ऐसे ही प्लांट को हम ट्रंक कहते हैं। आपसे पूछा है व्हाट इज ट्रंक, तो आप ये बता देंगे, है ना। दे आर स्ट्रेट एंड डू नॉट इन नीड एनी सपोर्ट, यानी किसी की भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने ही बल पर खड़े रहते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, और ये कई सालों तक जीते हैं। एंड मोस्ट ट्रीज हैव इन ब्रांचेस, बहुत सारे ट्रीओ की बहुत सारी ब्रांचे होती हैं, कुछ ट्रीओ की कुछ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सम सच ट्रीज दैट हैव इन ब्रांचेस, जैसे कि मैंगो, पीपल, गुलमोहर, बनियान, नीम और जम्बू ट्री, ये जो है ना ट्रीज होते हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जो बनियान ट्री है वो नेशनल ट्री भी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेशनल ट्री। आपसे आप कमेंट सेक्शन में बताओ स्टेट ट्री कौन सा है, स्टेट ट्री कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए स्टेट ट्री कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है सब्स। सब्स क्या होते हैं? तो काफी बार पूछा जाता है सब्स। सब्स आर स्मॉल एंड बुशीज प्लांटेड, ये बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं। एंड सब्स आर स्मॉलर देन एन ट्री, और ये पेड़ पौधों से छोटे होते हैं। दे आल्सो हैव इन बॉडी स्टीम, इनकी जो स्टीम होती है वो भी बॉडी होती है। ब्रांचेस आर क्लोज टू इन ग्राउंड एंड लिव फॉर इन फ्यू ईयर्स, और ये कुछ ही सालों तक जीते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जमीन से बहुत नजदीक होती हैं। जैसे रोज है, वाउगेलिया है एंड मेहंदी है, कॉटन है एंड हिबिकस है, ये सभी क्या होते हैं? सब्स होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाएगा, तो आप इसको याद जरूर कर ले इसके एग्जाम्पल। फिर आते हैं हब्स। हब्स आर वेरी स्मॉल एंड डेलिकेटेड प्लांटेड एंड therefore they can not stand erect, और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। and the stems of hops are thin and weak, और इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और पतली होती है। hops are mostly vegetable and following plant, और ये ज्यादातर कैसे होते हैं? vegetables होते हैं। जैसे टमाटो है, स्पेंच है, बीट है, राइस है, ब्रांजिल है, दलिया है, कॉमन hops है, ये कैसे है? hops। फिर आता है creepers। क्रीपर्स आर द प्लांट दैट हैव वेरी वीक स्टीम, इनकी भी स्टीम कैसी होती है? वीक, नॉट स्टैंड इन स्ट्रेट, और ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। जैसे आपका बेटर ग्राउंड है एंड वाटरमेलन है, पंपकिन है, इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? सपोर्ट की। फिर आते हैं आपके क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स कैन प्लांट आर प्लांट दैट हैव वीक एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे नीड सपोर्ट स्टैंड, और इन्हें खड़े होने के लिए आवश्यकता होती है ना। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट इन आइदर ट्विंग राउंड इन स्टिक्स इन क्लीम अप ऑन फॉल इन सपोर्ट बॉल इन सपोर्ट, इन्हें इनके जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे वो निकले रहते हैं धागे टाइप के, तो इन्हें बॉल उसी की सहायता से ये बॉल को सपोर्ट कर लेते हैं और आराम से पड़ जाते हैं। जैसे ग्रेप पाइन है, मनी प्लांट है, पी है, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे दे रखा है लाइफ ऑफ प्लांट। सम प्लांट लाइक जैसे कि ट्री लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो ट्री होते हैं जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं। एंड बियर इज सम प्लांट लिव इन फॉर शॉर्ट टाइम, और कुछ प्लांट जो होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए जीते हैं। एंड द प्लांट दैट हैव फॉर इन लॉन्ग टाइम कॉल्ड इन एनुअल प्लांट, जो लंबे समय तक जीते हैं उन्हें हम एनुअल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल। जैसे इसके एग्जाम्पल आप सुने हैं वीट, माइस, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ एनुअल प्लांट लाइक लिव इन ओनली वन सीजन, और जो एनुअल प्लांट होते हैं वो सिर्फ एक ही सीजन तक जीते हैं। प्लांट लिव ऑफ टू सीजन, जो प्लांट दो सीजन तक
जीते हैं उन्हें हम बाइनियल प्लांट कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और फर्स्ट सीजन में इनमें क्या होती है, जड़ें अच्छी होती हैं, स्टीम्स आते हैं और लीव्स आती हैं। सेकेंड सीजन में ये फ्लावर्स देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिस और पोटैटो, इसके अच्छे एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लांट दैट लिव फॉर मेनी इयर्स आर कॉल्ड पेनियल प्लांट, जो प्लांट बहुत सालों तक जीते हैं उसे हम पेनियल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनियल प्लांट। ऑल ट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर इन पेनियल प्लांट, सम क्लिम्बर्स लाइक जैसे कि मनी प्लांट एंड ग्रेपाइन एक्सेट्रा आर ऑल्सो इन पेनियल प्लांट। ये कैसे कहलाते हैं? पेनियल प्लांट कहलाते हैं। प्लांट मेक अवर सराउंडिंग इन ब्यूटीफुल, और जो प्लांट होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल टू अस, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। दे क्लीन एयर एंड गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन एंड टू ब्रेथ, और हमें ये हमारे एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। द प्लेस विदाउट प्लांट looks in barren and besides all these and plant also provided us with food, और पेड़ पौधों से हमें खाना भी प्राप्त होता है, medicines भी प्राप्त होती हैं, cloth भी प्राप्त होते हैं, species भी और shelters भी हमें उनसे ही प्राप्त होते हैं। We use many plant and they are protect of different purpose, और अलग अलग पेड़ पौधों का use हम अलग अलग purpose से करते हैं। कुछ का हम खाने के लिए use करते हैं तो कुछ का हम furnitures के लिए करते हैं और कुछ काम कागज बनाने में करते हैं। तो आइए इनके यूजेस को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है प्लांट दैट गिव्स अस फूड, जो प्लांट हमें भोजन देते हैं वो कौन कौन से हैं? मैनी प्लांट गिव्स अस फूड, कई सारे पेड़ पौधे हमें खाना देते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट खाते हैं। जैसे वी ईट रूट्स, हम जिनकी जड़ें खाते हैं प्लांट लाइक, जैसे कि यह कैरेट है, रेडिस है और बीट रूट है और टर्निप है, इन सभी की हम क्या खाते हैं? जड़ें। नेक्स्ट है वी ईट लीव्स, कुछ की हम पत्तियां भी खाते हैं, जैसे आपकी कैबेज है, स्पेंच है एंड लेक्यू है एंड मेथी है, ये इन सब की हम पत्तियां खाते हैं। नेक्स्ट है आपका वी ईट स्टीम्स ऑफ प्लांट, कुछ की हम स्टीम्स खाते हैं, जैसे जिंजर है, सुगर कैन है, पोटैटो, इनकी हम क्या खाते हैं? स्टीम्स खाते हैं। ध्यान रखो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका 2024 में, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको जरूर कवर करिए। वी ईट द फ्रूट ऑफ प्लांट लाइक, जैसे कि पीच है, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, इनसे ये क्या है हमारे फ्रूट्स के रूप में खाते हैं इनको हम, किसके रूप में? फ्रूट्स के। फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट आर ईटन बाय इन वेजिटेबल लाइक, जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं लेकिन वो वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे टमाटो है, ब्रिंजिल है, पंपकिन है, ये क्या होते हैं? फ्रूट होते हैं पर एक्चुअल में क्या है? वेजिटेबल्स। We eat seed of some plant like, जैसे कि कुछ भी हम seeds खाते हैं, पी है, ग्राम है, अरहर है, एक्सेट्रा, और सभी pulses हैं, है ना। We eat nuts, कुछ के हम nuts खाते हैं, जैसे like in peanuts and cashew nuts in almonds, इनके हम nuts खाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा important है आपके लिए 2024 जो exam है, excellence model school entrance exam के लिए, ठीक है। Next, We get cereals from in some plant like, जैसे कि मेज है, ज्वार है, राइस है एंड बाजरा, इनकिया ये जो होते हैं cereals crops कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? cereals crop। We make a tea within leaves in plant, जो tea plant होते हैं उनकी हम पत्तियां use करती हैं, है ना। Plant that gives us medicines, जो plant होते हैं हमें medicines provide कराते हैं। Medicines are made from plant, जो दवाइयां होती है वो पेड़ों की सहायता से बनाई जाती है, जैसे तुलसी है, नीम है और गार्लिक है और पॉपी है, इन सभी पेड़ पौधों की सहायता, और भी कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनके माध्यम से उनके विभिन्न पार्ट को यूज करके हम उनकी उनसे जो है ना दवाइयां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दवाइयां। प्लांट दैट गिव्स अस परफ्यूम, कुछ प्लांटों की सहायता से हम परफ्यूम भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफ्यूम। जैसे फ्लावर्स वगैरह आपने देखे होंगे ज्यादातर, वो फ्लावर्स कौन कौन से हैं आप देखोगे यहाँ पर, जो ज्यादातर फ्लावर्स है जैसे कि रोज है, जैस्मीन है, चंपा है, इनका यूज करके हम इनके फ्लावर्स की सहायता से हम परफ्यूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफ्यूम। प्लांट दैट गिव्स अस ऑयल, कुछ प्लांट हमें ऑयल देते हैं, वो कौन कौन से प्लांट हैं?
be get in by oil in pressings the seeds of some plant like जैसे कि mustard है, groundnut है, sunflower है, coconut है, ये हमें क्या देते हैं? Oil देते हैं. क्या देते हैं? Oil. That plant that gives us fiber. कुछ plant हमें fibers देते हैं. क्या देते हैं? Fiber. We get cotton from in cotton plant. जो cotton होती है वो cotton plant से प्राप्त की जाती है. The fiber of cotton are used for making cotton cloth. और फाइबर कॉटन की जो फाइबर होती है उसका यूज करके हम कॉटन क्लॉथ बनाते हैं. बी आल्सो जूट फाइबर ऑफ जूट प्लांट. जो जूट फाइबर होती है वो जूट प्लांट से प्राप्त की जाती है. यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसको भी तैयार करना आप सभी बच्चे. दे आर यूज इन मेकिंग इन रॉप सैक्स इन बैग्स इन मैट्स. इनको बोरा बोरी बनाने में और मैट्स बनाने में बैग्स बनाने में इनका यूज किया जाता है कॉटन एंड फाइबर का. ठीक है, प्लांट दैट गिव्स अस वुड. कुछ प्लांट जो होते हैं हमें लकड़ियां देते हैं. वुड फ्रॉम इन प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इन चेयर्स टेबल्स डोर्स एंड अदर फर्नीचर एंड द वुड इज कॉल्ड इन टिम्बर. ऐसी वुड जो हमें टेबल डोर या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है उसे हम टिम्बर कहते हैं. एंड सच प्लांट आर इन टीक. जैसे कि इसके प्लांट का टाइप है सील है, टीक है, साल है, डियोडर है, एक्सेट्रा. इवन इन पेंसिल दैट गिव्स अस यूज फॉर राइटिंग एंड मेड अप ऑफ वुड. जिस पेंसिल का हम लिखने में यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है. वुड इज आल्सो यूज्ड ऑफ बर्निंग इन फ्यूल. वुड जो होती है उसे हम फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं. द वुड ऑफ बबूल एंड मैंगोज इज यूज्ड इन फ्यूल ऑफ ब्लेज. फ्यूल इन ब्लेज. जो बबूल और जो मैंगो की लकड़ी होती है वो गाँव में ईंधन के रूप में यूज की जाती है, क्योंकि वहां पर जब गैस सिलेंडर नहीं होते तब ये लोग इसको ही यूज करते थे. कई जगह आज भी की जाती है. नेक्स्ट है यहाँ पे प्लांट दैट गिव्स अस रबर पेपर एंड गम. प्लांट की सहायता से हमें पेपर गम और रबर भी प्राप्त होती है. द बोर्ड ऑफ द बंबू ट्री इज यूज फॉर मेकिंग पेपर. जो बंबू ट्री की सहायता से हम क्या बनाते हैं? पेपर्स बनाते हैं. द पेपर इज मेड फ्रॉम इन pulp and which is obtained from in the plant and we get rubber from in rubber tree. जो रबर होती है वो रबर ट्री से प्राप्त की जाती है. जो पेपर होता है जो पेड़ के पल्प होते हैं उनको लेकर हम उनकी सहायता से पेपर को बनाते हैं. we get gum from in bubble tree. जो गम होता है बबुल ट्री से प्राप्त किया जाता है. एकाइकास एंड इन कैकर्स ट्रीज इन गम्स इज मेड फ्रॉम इन एंड द जूस दिस प्लांट. और ये जो कैकर्स होते हैं और काइका होते हैं इनके जो जूस होता है इनसे भी हम गम को क्रिएट कर लेते हैं. प्लांट दैट आर यूज फॉर इन डेकोरेशन. आपने देखे होंगे काफी सारे गार्डन्स वगैरह में प्लांट लगे रहते हैं जो उसकी खूबसूरती को मतलब वहां उस जगह की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं. उन्हें हम डेकोरेटिव प्लांट कहते हैं. मैनी प्लांट आर ग्रोन फॉर इन देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर इन डेकोरेटिंग वेरियस प्लेसेस सच एज जैसे हाउसेस वेडिंग्स एंड प्लेसेस. इन सम सच फ्लावर्स बेयरिंग इन प्लांट जैसे कि रोज है, पॉपी है, पिंक है एंड नेस्ट्रियम है एंड फर्न्स इन क्रॉन्स ग्रो इन ब्यूटीफुल लीव्स. ऑल सच प्लांट आर यूज फॉर इन डेकोरेटिव प्लांट. इन्हें ही हम क्या कहते हैं? डेकोरेटिव प्लांट कहते हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. सम अदर यूजेस ऑफ प्लांट. और भी कई प्रकार से हम प्लांटों का यूज करते हैं. डेड एंड ड्राइड लीव्स एंड स्टीम्स द प्लांट एंड यूज फॉर मेकिंग मैन्यूअर्स इन सम प्लांट एंड फोडर्स फॉर इन एनिमल्स. आपने देखा होगा जो प्लांट की जो पत्तियां और जो लकड़ियां गिरकर मतलब जमीन पर गिर जाती हैं और वहां पर गोबर वगैरह जमा कर देते हैं तो उनसे मिलाकर हम एक मैन्यूअर तैयार कर लेते हैं जो खेती के लिए बहुत ही ज्यादा यूजेबल होता है. द रूट ऑफ द प्लांट इन वाइंड इन द सॉइल इन प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोशन. और जो पेड़ होते हैं पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी की सॉइल इरोशन होने से रोक लेती हैं एंड क्योंकि वो मिट्टी को जकड़े हुए रहती हैं. We see that in plant play a very vital role on our everyday life and we are all dependent on plant indirectly for our food. हम कहीं ना कहीं खाने के लिए पेड़ों पर ही निर्भर हैं और उन्हीं से हमें खाना प्राप्त होता है. फिर हमारे आते हैं point to remember, जिसको हम remember कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से question बन जाते हैं. Trees are big, tall and strong plant. Trees होते हैं big, tall और strong plant होते हैं. They live for many years. ये कई सालों तक जीते हैं. Shrubs are small and bushes plant जो shrubs होते हैं small और bushes planted होते हैं. Herbs are very small and delicate plant. Herbs कैसे होते हैं? Small और delicate plant होते हैं.
क्लिंबर्स आर प्लांट विथ वीक स्टीम्स एंड दे नॉट स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लिंबर्स होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिनकी जो स्टीम होती है बहुत ही कमजोर होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और इन्हें सीधा खड़े होने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्रीपर्स स्पेयर ऑन द ग्राउंड एंड बिकॉज दे हैव इट वेरी वीक स्टीम, और इनकी जो स्टीम्स होती हैं बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे दे रखा है एनुअल प्लांट लिव एंड ओनली फॉर ए फ्यू मंथ एंड फॉर इन फोर सीजन। कुछ होते हैं जो कुछ ही समय तक जीते हैं और कुछ जो होते हैं कई सालों तक भी जीते हैं। एंड बेनियल प्लांट लिव इन एंड लिव फॉर इन टू सीजन। जो बेनियल प्लांट होते हैं दो सीजन तक जीते हैं, पेनियल प्लांट जो होते हैं कई सालों तक जीते हैं। और प्लांट गिव्स अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और जो प्लांट होते हैं हमें अलग अलग प्रकार के खाने को प्राप्त कराते हैं। प्लांट गिव्स अस मेडिसिन, पेड़ों की सहायता से हमें मेडिसिन प्राप्त होता है। सम प्लांट गिव्स अस परफ्यूम, और जो कुछ प्लांट होते हैं उनकी सहायता से परफ्यूम भी प्राप्त हो जाते हैं। सम प्लांट गिव्स अस ऑयल, कुछ प्लांटों की सहायता से हमें ऑयल भी प्राप्त होता है। वी गेट रबर गम पेपर एंड फ्रॉम इन सम प्लांट, और कुछ प्लांटों की सहायता से गम और जो है ना पेपर भी प्राप्त किए जाते हैं और रबर भी। वी यूज द फ्लावर्स एंड लीव्स इन सम प्लांट फॉर इन डेकोरेशन, और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके फ्लावर्स और उनकी जो पत्तियां होती हैं उससे हम डेकोरेशन करते हैं। प्लांट क्लीन एयर एंड गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन एंड वी शुड ग्रो मोर एंड मोर, और जो प्लांट होते हैं वो हमारी ऑक्सीजन को क्या कर मतलब प्योर क्लीन करते हैं, है ना, एनवायरमेंट को, और फ्रेश ऑक्सीजन हमें प्राप्त कराते हैं जिसकी सहायता से हमें उनसे हेल्प होती है। और इसके बाद है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डॉट डॉट प्लांट आर कॉल्ड इन ट्री। जो लंबे प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री इज आर, ये सभी ट्री है, मैंगो, नीम और बनाना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शब्स, तो रोज जो है इसका सही एग्जाम्पल है, शब्स में आता है। ट्री जो होते हैं इसमें से जो ट्री है वो कौन सा है ये बताना है, ठीक है। और जो शब्स है वो कौन सी है, जो ट्री है वो पपाया है, शब्स जो के है वो चाइना रोज है, हब्स क्या है वाटरमेलन है, सॉरी हब्स जो है मिंट है और क्रीपर्स जो है वाटरमेलन है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर फाइव से, क्वेश्चन नंबर फाइव द प्लांट हैज इन पार्ट। तो प्लांट के पार्ट कितने होते हैं, दो होते हैं, एनुअल प्लांट एंड प्लांट इज इन। तो एनुअल प्लांट कौन कौन से होते हैं, हाफ वीट और वाइस जो होते हैं एनुअल प्लांट होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ बेनियल प्लांट, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए पूछे जाएंगे। बेनियल प्लांट कौन से होते हैं, कैरेट, जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट इज आर इन, तो इट ग्रो ऑलवेज टूवर्ड्स ग्रेविटीज एंड मॉइस्चर्स, ये हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट डेवलप होती है। इट ग्रोज फ्रॉम इन द एंड रेडियल रेडिकल्स इन द इन एम्ब्रोज ऑफ सीड्स, इट ग्रो इन अवे फ्रॉम इन सनलाइट, और ये सनलाइट की सहायता से ग्रो करती है। फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, रूट ऑफ प्लांट क्या कहलाते हैं, ठीक है, फिर लीव्स ऑफ प्लांट क्या कहलाते हैं, इन सभी को आपको बताना है। तो जो रूट ऑफ प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके रेडिस, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है आपका लीव ऑफ प्लांट क्या कहलाते हैं, तो लीव ऑफ प्लांट आपके होते हैं वो कहलाते हैं कैबेज। स्टीम ऑफ प्लांट क्या कहलाते हैं आपके, जिंजर है। और फ्रूट ऑफ प्लांट क्या है आपके, फ्रूट ऑफ प्लांट है आपके पीच, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी मैचिंग बतानी है। प्लांट दैट गिव्स अस, प्लांट दैट गिव्स अस मेडिसिन, तो कौन देता है, तुलसी। प्लांट दैट गिव्स अस परफ्यूम, तो रोज। और फिर प्लांट दैट गिव्स अस ऑयल, तो आ जाएगा ग्राउंडनट। प्लांट दैट गिव्स अस फायर, जू, ठीक है। बेच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीरियल क्रॉप, निम्न में से सीरियल क्रॉप कौन सी है, पेडी है, मेज है, माइज है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद कर लेना। बेच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टेबल फूड, निम्न में से स्टेबल फूड कौन है, बीट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है जेलीज इज प्रोडक्ट ऑफ, तो पाम इसका सही आंसर है। एलिपीज ग्रीन इज इन कैरेडोम, कैडामोन जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये पेनियार केरला में है ना। वनीला इज ऑर्बिटेड फ्रॉम ऑर्चिड, ऑर्चिड से प्राप्त किया जाता है वनीला।
कॉटन फाइबर इज ऑबिटेंट फ्रॉम कॉटन फाइबर कहां से प्राप्त किया जाता है कॉटन फाइबर से फिर नेक्स्ट है आपका जूट इज ऑबिटेंट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट तो स्टीम बाग से ये प्राप्त किया जाता है कॉटन इज कल्टीवेटेड इन विच इज फॉलोइंग सॉइल तो ये ब्लैक सॉइल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है ठीक है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रोटेक्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट आर यूज्ड इन मोस्टली इज जैसे आयुर्वेदा है यूनानी है और सिद्धना है ठीक है विच पार्ट ऑफ द इनहाउस फोलियास प्लांट इज एसोसिएटेड विद द क्योर ऑफ हाई ब्लड प्रेशर तो इसकी जो रूट होती है जब ब्लड हाई प्रेशर हो जाए तो इसकी रूट्स को यूज कर सकते हैं जिससे फायदा होगा विच पार्ट ऑफ सिंकोनस इज यूज्ड इन मलेरियास क्योर ये भी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए ठीक है तो ये बार किसका यूज सही आंसर है बंसाई प्लांट आर आर्टिफिशियल मेड ऑफ ड्राफ्ट प्लांट ये भी इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरियस इन पेस्ट क्रॉप्स लोकटस इसका सही आंसर है नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर इज एडिबल फिशेस तो ऑल ऑफ दीज कतला कतला रेब्यूरोता एंड चायरानास एंड मिर्गेला ये भी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में ठीक है तो अभी हमारे जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे एक और बचा है तो उसके बाद हम टेस्ट करने वाले हैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था टेस्ट होगा और जो टेस्ट है आपका 23 ऑफ जो है ना बोलते हैं मार्च है तब होगा आपका 23 ऑफ मार्च को आपका टेस्ट होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पे भी ठीक है टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा और ये जो नंबर है इस पर अपडेट मिल जाएगा अगर कोई डाउट होता है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं कॉल मत करना ठीक है 7444-0772 यहाँ पे टेस्ट होगा आपके पूरे एनवायरमेंट का जो भी मैंने आपको कराया मैं क्वेश्चन पूछूंगा और एक ओएमआर शीट भेजी जाएगी ओएमआर शीट का पीडीएफ भेजेंगे उसको आप निकलवा ले ठीक है यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप वहां पे आंसर देंगे जिससे कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी आपके जो 15 नंबर होंगे उसके लिए संकल्प मैंने लिया है तो कैसे करवाना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है तो आप तो बस क्या करिए जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करते जाइए ठीक है अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी अभी के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अभी के लिए बस इतना ही जय हिंद फ्रेंड्स जय हिंद स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग